जाएगी। बोलो फिर से। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो डर जाएगी, धूप में रखो सड़ जाएगी। जॉनी जॉनी पांच, रुको रुको रुको, पांच लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल नो पेंट मम्मा कॉलिंग, मम्मा कॉलिंग डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द बेड। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और मैं यहाँ से सीधे नहाने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि आप लोगों के साथ हेयर केयर मुझे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो आज बता देती हूँ आपको। सो गाइज मैं वॉशरूम में आ गई हूँ और अभी मुझे करनी है शैम्पू। आप देख सकते हैं मेरे बालों में अच्छे से भर भर के मैंने ऑयलिंग की थी रात में। सो अभी मुझे शैम्पू करनी है, तो आज मैं शैम्पू के लिए जो यूज़ कर रही हूँ और कुछ दिन से जो मैं यूज़ कर रही हूँ विंटर्स में, वो है ये अराटा का शैम्पू। जीरो केमिकल के साथ ये शैम्पू आता है, सो मैं आज इसे ही यूज़ करने वाली हूँ। और इसे कैसे यूज़ करते हैं आज मैं आप लोगों को वो भी दिखाने वाली हूँ। लीजिए, उसमें थोड़ा सा शैम्पू का क्वांटिटी डालिए और पानी में अच्छे से घोलिए, देन आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज शैम्पू को आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है। सो अब गाइज मैं इसमें थोड़ा सा वाटर यूज करने वाली हूँ, अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। पहले आपको अपने हेयर को भी थोड़ा सा पानी से अच्छे से गीला कर लेना चाहिए। मैंने अपने बालों को अच्छे से गीला कर लिया, मैं अप्लाई करूंगी शैम्पू। सो शैम्पू में जिस तरीके से करनी चाहिए आप उसी तरीके से अपनी शैम्पू को कीजिए। जब तक मैं मेरी शैम्पू कर रही हूँ तब तक आप जान लीजिए अराटा के प्रोडक्ट्स के बारे में कि अराटा के प्रोडक्ट कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं। पहले एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग होती है, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके का बैग होता है जिसमें अराटा जीरो केमिकल लिखा होता है, एंड देन उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलते हैं। ये शैम्पू एंड कंडीशनर की पैकेजिंग कुछ ऐसी है, और मैंने इसे यूज़ कर लिया था, ये तो खाली हो गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि अब इसमें आधा भी प्रोडक्ट नहीं बचा है। सो यहाँ पे ये है हमारे पास अराटा जीरो केमिकल शैम्पू, एंड ये है हमारे पास अराटा जीरो केमिकल नेचुरल हेयर कंडीशनर। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। सो गाइज अगर हम यहाँ पे अराटा जीरो केमिकल शैम्पू की बात करें कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने ml की ये बॉटल है, कितने रुपए की आती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 200 ml की ये बॉटल है। अगर हम इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे मैपल, लेमन एंड यूरोपियन ब्लूबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मैपल एक्सट्रैक्ट्स की। ये आपकी हेयर को हेल्दी लास्टिंग शाइन प्रोवाइड करता है। लेमन फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट दैट स्ट्रेट योर हेयर एंड ग्रोथ योर हेयर। ये आपके हेयर को स्ट्रेट भी करता है, प्लस आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है। सुगर कैन एक्सट्रैक्ट्स फॉर इफेक्टिव क्लिनजिंग एंड एवरीडे रिमूव पॉल्यूशन। सो जो हमारा एवरीडे का पॉल्यूशन होता है उसको भी रिमूव करता है। सो ये शैम्पू काफी ज्यादा अच्छा है, 100% नेचुरल है, और इसको मैं 20 डेज से यूज कर रही हूँ। सो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, अगर आप चाहें तो इसे वाई कर सकते हैं। जान लिया अराटा की शैम्पू कैसी है एंड इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। अब मुझे शैम्पू करे एटलीस्ट 2 मिनट्स हो चुके हैं, सो मैं इसे अब वॉश करूंगी। मैंने अपने जो बाल है अच्छे से पानी से वॉश कर लिए हैं। अब देन इसके बाद आती है सेकेंड स्टेप की बारी, आई मीन कंडीशनर की बारी। सो कंडीशनर के लिए मैं सेम प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ अराटा का। ये है अराटा का कंडीशनर। सो गाइस इसको आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये 100% नेचुरल है, तो आप इसे स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्कैल्प पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं कोई भी कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ। जस्ट अपने बालों की यहाँ तक लगा सकती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूंगी और नीचे तक लगाऊंगी, लेकिन स्कैल्प पे मैं नहीं लगाऊंगी। सो आप ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे अपने बालों की रूट्स पर ही लगाइए। सो जब तक मैं अपने कंडीशनर को करती हूँ तब तक आप देख लीजिए इसका क्विकली रिव्यू।
तो चलिए गाइज, अराटा जीरो केमिकल नेचुरल हेयर कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कितने एमएल की ये बॉटल है, तो 200 एमएल की आपकी ये बॉटल है। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन आप उन्हें डिटेल में नहीं देखेंगे तो मैं बता दूँ कि इसमें ग्रीन एप्पल डिटॉक्सिफाइंड एंड सूथ एडिंग अ लाइट फ्रेग्रेंस, रोज बेरी मेपल एक्सट्रैक्ट फॉर हेल्दी लास्टिंग शाइन हेयर, कैस्टर ऑयल हेल्प डिटेंगल एंड कंडीशन योर हेयर। सो कैस्टर ऑयल आपके बेसिकली कैस्टर ऑयल आपके हेयर को डिटेंगल एंड कंडीशन करेगा आपके हेयर को, एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, प्लांट बेस्ड है एंड केमिकल फ्री है, नॉन जीएमओ है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल, नो फियर ऑफ हेयर लॉस, प्री मेच्योर ग्रेइंग क्योर्ड बाय केमिकल इंग्रेडिएंट्स, नॉन फ्लेकिंग, नॉन टॉक्सिक। सो गाइज, आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, बस आपको पढ़ना है ध्यान से, तो आप उतना ध्यान से नहीं दिख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो यहाँ पे बता दी हैं। आई जस्ट होप कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आएगा। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, एंड ये आपको अराटा इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नाइका पे अवेलेबल है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, सो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए ले सकते हैं। विंटर के लिए मस्ट है, प्रोडक्ट है। सो गाइस, देखिए आप लोगों ने रिव्यू, और मेरा भी इसको 5 मिनट हो चुका है, मैं 5 मिनट के लिए रखती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी और वॉश करने के बाद मैं सीधे आपको नहाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, जब मैं ये शैम्पू करती हूँ तो मेरे बाल कुछ इस तरीके से सॉफ्ट रहते हैं, बस मुझे एक हल्का सा कॉम करना होता है, उलझते बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद आपके हेयर जब पूरे फुल तरीके से सूख जाएंगे ना, तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं, इतने स्ट्रेट लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो आप लोगों ने इतने दिन से रिव्यू मांगा, तो आज मैंने रिव्यू दे दिया कि मैं कौन सी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। सो अगर आप लोग चाहें तो बाय कर लीजिए इस प्रोडक्ट्स को, मेरी तरफ से अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और मैं बना रही हूँ आज मेथी की भाजी। तो ये जो क्लिप है वो है रात की, जो डे का आपने ब्लॉग देखा उसकी रात की है, और मैंने ये शूट किया था बिकॉज़ मैं मेथी की भाजी बना रही थी। तो मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज को अच्छे से इसी से चॉपर से चॉप करके रखा हुआ है। दूसरा, मैं यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भी चॉप कर लूँगी। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च को साथ में डाल दूँगी। और अदरक लहसुन और हरी मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा क्रश कर लिया था, मतलब एकदम बारीक हो चुका था। जब वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं उसमें प्याज ऐड कर दूँगी। अगेन, प्याज भी थोड़ी सी बारीक ही मैंने करी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक हो रहा है, तो 2-3 दिन से खाना मैं ऐसे ही बना रही हूँ थोड़ा जल्दबाजी में। और यहाँ पे मैंने भाजी को अच्छे से कट कर लिया है, और ये मेथी की भाजी बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें अच्छे से आलू भी मिला लिए हैं, आलू भी मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे रखे थे ताकि जो भाजी है वो जल्दी से पक जाए। मेथी की भाजी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है पकने में, सो गाइस जितना हो सके से पकाई है। और ये देसी भाजी थी ना, तो इतनी कड़वी लग रही थी, मतलब दो तरीके की भाजी, एक तो उसमें समझ ही नहीं आता कि टेस्ट कैसा है, दूसरी ये इतनी कड़वी होती है कि क्या बताऊँ। तो ये वाली जो भाजी थी वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी थी। तो पहले मैंने फर्स्ट टाइम में इसको फुल फ्लेम पे और अच्छे से पकाया था, सेकेंड टाइम में मैंने स्लो रखा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये हल्का सा पानी छोड़ती है, तो उस टाइम पे आप इसे फुल फ्लेम पे ही पकाएं अच्छे से। तो इसने जो पानी था वो सूख लिया था, मतलब निकल भी गया था, सूख भी लिया था। यहाँ पे मेरी जो डे की दाल रखी हुई थी वो गर्म कर रही थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बहुत दाल चावल खाते हो, बट मैं दाल चावल पसंद करती हूँ इसलिए मैं खाती हूँ, और हमें दोनों टाइम दाल चावल चाहिए, रोटी सब्ज़ी मिले ना मिले दाल चावल चाहिए तो चाहिए है। सो यहाँ पे जो दाल एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो मैंने क्या बोलते हैं उसको अच्छे से गरम कर लिया, थोड़ी सी धनिया पत्ती उसमें डाल दी है ताकि दाल देखने में भी अच्छी लगे और खाने में तो अच्छी लगेगी ही। सो ये दाल हमारी जो है वो रेडी हो गई है, इसको अच्छे से ढक के रख दूँगी, गरम कर दिए। यहाँ पे भाजी को मैं चलाते चलाते पकाऊँगी, थोड़ा सा दूध भी रखा हुआ था तो उसको मैंने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलट के और अच्छे से गरम कर लिया है। सो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जब मेरी भाजी पूरे तरीके से पक चुकी थी तब मैंने यहाँ पे टमाटर डाले हुए हैं, अच्छे से गल जाए तभी आलू, जब अच्छा एकदम महीन होने लगे तभी डालना उसमें और मसाले। टमाटर के बाद मैंने धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा नमक और हल्दी सब कुछ ऐड किया है इसमें, और बीच में टमाटर में डाला है ताकि पक जाए अच्छे से मसाला, क्योंकि मसाला पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भाजी में कच्चा कच्चा मसाला लगे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मसाले ऐड नहीं करते हैं, बट मैं करती हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए आपको बिल्कुल ऑप्शनल होता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ हल्दी
और खड़ी मिर्च से बघार लेते हैं सब्ज़ी को, लेकिन मैं प्रॉपर सारे मसाले ऐड करती हूँ, भले ही थोड़ा थोड़ा करूँ बट करती ज़रूर हूँ। सो यहाँ पे धनिया पत्ती, क्योंकि बहुत सारी मंडी से सब्ज़ी आई थी, बाबू लोग लेके आए थे, और बाबू अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तो वही लेके आए हुए थे, तो बाबू और सानुदी गई थी। तो आपको पता है यहाँ सारी चीज़ें जड़ से आती, भाजी भी जड़ से आती है, धनिया पत्ती भी जड़ से आती है, तो उसकी जड़ें काट के वॉश करके अच्छे से मैं रख रही थी। और यही टाइम होता है जो हमें मिलता है टाइम, क्योंकि अभी मेरी ब्लॉग्स 2-3 दिन से नहीं जा रहे हैं, तो मेरे पास टाइम होता है कि मैं घर पे भी थोड़ा फोकस कर पाती हूँ। एंड फाइनली मुझे मेड मिल चुकी है, लेकिन है वो लड़की, और आई डोंट नो कि मैं उससे काम कराऊँ या नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे गाइड करिए। वो 17 साल की लड़की है, लेकिन उनको नीड है पैसों की, तो उनकी मम्मी आई थी, उन्होंने बताया कि उनके जो पापा है, जो लड़की है उसके जो पापा है, वो ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है। तो वो कह रही थी कि वो 2 से 3 जगह काम के लिए जाती है, लेकिन उनको डर लगता है क्योंकि वो दूरी दूरी पे काम करती है, और मेरा जो फ्लैट है उसके ये बाजू में रहती है, तो उसका कहना है कि दी आप रख लो, हमारी बेटी को रख लो, हमारे पास तो टाइम नहीं है, ताकि हमारी बेटी आपके घर पर ज़्यादा काम भी नहीं है तो पढ़ती भी रहेगी, और प्लस वो आपके साथ रहेगी तो अच्छा कुछ सीख भी लेगी, और दूसरी बात कि आपका काम भी करती रहेगी, क्योंकि वो 2-3 जगह वो लड़की जाती है तो उसको टाइम कहाँ रहता होगा पढ़ाई का। और मैंने बोला है कि मुझे चाहिए है एटलीस्ट कि 8 से 9 घंटे, 8 घंटे तो एटलीस्ट, या 6 घंटे यहाँ पे कोई रहे, तो मैंने उनको ओके बोल दिया है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि सही किया या गलत किया, क्योंकि 17 साल की है, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे हो रही हूँ कि क्या करूं, हाँ बोलूं ना बोलूं। और जब वो मेरे सामने रोने लगी और बोलने लगी कि दीदी हमें ज़रूरत है, हमारी बेटी 3-3 जगह जाती है, हमें डर लगता है, आपके यहाँ पे सेफ्टी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की CCTV कैमराज लगे हुए हैं, अंदर ऐसे कोई इंटर नहीं कर सकता है, तो डर कम होगा उसके लिए। तो मैंने इसीलिए मैंने भाजी को अच्छे से खूब सारा पकाया, नॉनस्टिक में मैंने पलट दिया था, क्योंकि भाजी लग रही थी उस कढ़ाई में और उसका कड़वापन नहीं जा रहा था। तो दीदी ने बोला कि मीखा एक काम करो, तुम नॉनस्टिक में पलटा दो ताकि भाजी अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ, तो अभी मिली है, देखते हैं कैसे। काम तो बहुत अच्छा करी है आज, फर्स्ट टाइम घर पर काम करके गई है, तो अभी शाम से ही आई है, आज ही शाम से जब मैं एडिट कर रही हूँ तभी आई थी। तो आप लोग बताइए मैं सही कर रही हूँ या गलत, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार वो कहीं और भी तो काम ही कर रही है ना, अब मैं करवा रही हूँ तो गलत नहीं हो सकता, बिकॉज देखो वो कहीं 3 जगह जा रही है और 8-8, 9-9 सौ रुपये में कर रही है, मैं तो पेमेंट बेस पे रख रही हूँ ना, मतलब मैंने उनको 4,000 बोला है, और ऊपर पट्टी का मैंने बोला है कि कपड़े, मेकअप का सामान, और भी जो नीड रहेगी वो मैं करूँगी पूरा। तो आप लोग बताइएगा प्लीज़ गाइज, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि मुझे सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि हाँ भाई वो 3 जगह जा रही है, उससे अच्छा 1 जगह हम उसे और अच्छे से कर सकते हैं, और छोटी बहन को भी वो लोग उससे भी वो काम करवाते हैं, तो वो बहुत कम उम्र की है, तो उसके लिए तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि इस लड़की से काम मत करवाओ, वो 1 जगह बर्तन धुलने जाती है जिसको उसको 1,000 मिलता है, तो मैंने बोला है कि मैं 1,000 आपको दूंगी, बट इसको काम पे मत भेजना, उसको स्टडी करने दो, क्योंकि बड़ी है, 17 साल की है, तो चलो ठीक है वो तो बड़ी है, लेकिन ये जो 10 साल की भी नहीं होगी वो काम करे, वो बर्दाश्त नहीं होता यार, देख के भी बुरा लगता है। यहाँ पर मैंने चावल मैं फ्राई करूँगी, और मैंने रखा ज़रूर है हाउस हेल्पर, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मिशिका को थोड़ा सा ऐसा है कि अब मिशिका को हर टाइम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर टाइम आप अवेलेबल नहीं हो पाते हो, तो कुछ टाइम मैं देखूँगी, कुछ टाइम वो देखेगी, और मुझे एक एक चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए मैंने रखा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं रखती भी हूँ आगे कि नहीं, मैंने उनकी मम्मी को बोल दिया है 2-3 दिन देखते हैं मैं करवा के, मुझे लगेगा तो मैं रख लूँगी, नहीं तो नहीं रखूँगी, बिकॉज़ मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। मैंने चावल फ्राई कर लिए हैं, रोटियों में घी लगा लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो ककड़ी है और प्याज है उसको अच्छे से, हमारे यहाँ पे सैलेड को बोलते हैं कचूमर सैलेड, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैंने कचूमर सैलेड बनाई हुई है, और ये चॉपर मेरे लिए बहुत बेस्ट हुआ, 300 रुपये का है, लेकिन भाई मैंने इसको लेके अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम किया, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि 2 मिनट नहीं लगते, सेकेंड नहीं लगते, सब कट पुट के रेडी हो जाता है। या हमारा खाना बन चुका है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि मैं सही कर रही हूँ या गलत।
प्लीज़। सो फाइनली फाइनली गाइस, नहाना धोना हो गया, शैम्पू का रिव्यू भी देख लिया, बहुत अच्छी शैम्पू है, मस्ट हैव प्रोडक्ट है। सो आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं, सारी डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आप लोगों से मैं आज पूरे दिन कुछ बात नहीं कर पाई, भाजी अजी बनाई, सब कुछ किया, खाना पीना बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बाल अभी तक नहीं सूखे हैं, बाल जैसे कि तैसे गीले हैं। और लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना भी बनाना ज़रूरी होता है, सब कुछ तो मैंने टॉबिल लगा के बाल बंध लिए थे। सो अभी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को लेने में कहते हैं ना कि सोचना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो अभी सोचा है, अब करना उसे डबल ट्रिपल मुश्किल है, लेकिन वो पूरा पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों की वजह से। बिकॉज़ अभी हम लोगों ने एक चीज़ सोची है जो कि मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेती हूँ, वरना पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं। तो इतना बड़ा फैसला हम दोनों ने लिया है, वो ये है कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड भी अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, मैं भी अच्छा खासा अर्न कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा आराम से चला सकती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो खर्चा करते हैं वो उससे हम हमारा आराम से अपनी लाइफस्टाइल है जो जी सकते हैं, जिस तरीके से हम जीते हैं उसी तरीके से साधारण ज़िंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ोगे तो आप उतना बिज़ी होते जाओगे और आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा उलझती जाएगी चीज़ों में। सो अभी हम लोगों ने जो फैसला लिया है वो ये है, टॉपिक पे आते हैं कि एक चैनल बंदा खोलता है, दो चैनल बंदे खोलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इससे हम कुछ अर्न करें अपने लिए। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो भाई हमने नाम बनाया खुद का, ठीक है, और आपने एक चैनल बना लिया, अब आपका दूसरा चैनल आपके बिना मेहनत भी चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि आपका ऑलरेडी उस पर नाम है। जैसे मान लीजिए आज मैंने मिशिकास फैमिली चैनल बनाया, जितना मेहनत मुझे मिशिकास फैमिली चैनल को चलाने में लगा और जितना उसको बढ़ाने में लगा और लगता जा रहा है, उतना चैनल अगर मैं एक दूसरा कर लूँगी मुझे एक दिन नहीं लगेगा, यानी दो दिन नहीं लगेंगे, और आप जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो सपोर्ट करेंगे, उस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, सो उधर पे मुझे मेहनत नहीं लगेगी। तो अभी हमने ये सोचा है कि हम उन लोगों की एक चैनल खोला जाएगा जिस पे जो भी उसका रिवेन्यू बनता है, जो भी उस पे अर्निंग होती है, जो भी विथ प्रूफ के साथ हर मंथ। अभी अर्निंग तो छोड़ दो, अभी मेन तो यही है कि सबसे पहले तो हमें एक चैनल बनाना है, चैनल पे हम जिन गरीब लोगों की हेल्प करेंगे। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा मत करना, लेकिन ये दिखावा नहीं है, ये मोटिवेशन है। आपको भी मिलेगा शायद वो वीडियोस देख के कि हम भी ऐसे हेल्प कर सकते हैं। और भी यूट्यूबर्स हैं, कुछ न्यू क्रिएटर्स हैं, कुछ बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, तो वो भी देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक चैनल से भी हमें अर्न करना है और दूसरे चैनल से ही सिर्फ हमें अर्न करना है और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। कभी कभी हमें दूसरों के बारे में सुनना चाहिए। पैसा जितना काम नहीं आता, जितनी काम आती हैं दुआएँ लोगों की। तो हमने सोचा है कि एक हमारा चैनल होगा जो बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेगा ऐसे लोगों को जो गरीब हैं, जैसे कि वृद्ध आश्रम में जो बूढ़े लोग हैं, बाल आश्रम में जो बच्चे हैं उनको हम हेल्प करेंगे, प्लस कोई बहुत गरीब है जिनके यहाँ पे खाने को भी नहीं है, हम उनको भी हेल्प करेंगे। तो हम अपनी तरफ से भी देंगे और कुछ उसका जो भी उस चैनल पे रिवेन्यू बनेगा या जो भी उस चैनल से कमाई होगी तो वो हम उसी के उसी पे लगाया करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस पे डेली वीडियोस जाएंगी, और ऐसा भी नहीं है कि उस पे डेली रिवेन्यू बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। उस पे कभी कभी वीडियो जाया करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा और जब हम कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, किसी के लिए अच्छा करेंगे, तभी उस चैनल पे वीडियो जाएगी। सो ये हमने सोचा है, फैसला बहुत ज़्यादा बड़ा है, वही चीज़ बार बार बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं ना सोचने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो अभी वैसा ही सब कुछ है। लेकिन अगर सोचा है तो करना भी है, क्योंकि सोचना मतलब कहते हैं ना, अगर आप में चाह है तो राह है, अगर हमने ये सोचा है और हमारी करने की इच्छा है तो हम ये ज़रूर कर पाएंगे, और आप लोगों के बिना सपोर्ट के तो शायद नहीं हो पाएगा। बिकॉज़
जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम आगे और नहीं कर पाएंगे। जहां हम लोगों की 1000-2000 रुपए से हेल्प कर सकते हैं, जब आपका सपोर्ट होगा तो उनका 5000 से हेल्प करेंगे। जितना हमारे बस में होगा हम उतना भी देंगे और जितना आप लोग कर सकते हो, आप लोगों की वजह से रेवेन्यू बनेगा या आप लोग वॉच करोगे उन वीडियो को, अप्रिशिएट करोगे, तो और भी लोग उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई ऐसे वीडियो बनाने से भी लोग मोटिवेट होते हैं। एंड ऐसी वीडियो बनाना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमें लगता है कि अगर हमने किसी के लिए 2 वक्त का खाना भी दे दिया, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। कैसा सोचा है, क्या है, कैसे करेंगे, ये सब तो बाद की चीज़ें हैं। पहले आप लोग बताइए कि ये हमारा फैसला सही है या गलत है, हमने अच्छा सोचा या बुरा सोचा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा सोचा है और ये प्लान पूरा पूरा बाबू का है। बाबू का कहना है कि मेघा तुम अपनी लाइफ में कैपेबल हो गए हो, मैं मेरी लाइफ में कैपेबल हूँ। अब हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा अर्न करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अमाउंट अपनी लाइफस्टाइल को ना चेंज करते हैं, नहीं बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, नहीं बहुत अच्छा खाएंगे, लेकिन अगर किसी के लिए हमने 2 वक्त का खाना दे दिया, साधारण सा दाल चावल भी उनको खिला दिया, तो उनके लिए तो वो खाना होगा ना यार। तो मुझे भी ये चीज़ मेरे दिल में बिल्कुल टच कर गई, छू गई, और मुझे लगा आज ही मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस कर लूँ। प्लीज़ गाइज मुझे बताइएगा कि मैं बाबू ने जो सोचा है वो सही सोचा है, कितना अच्छा सोचा है, और आप लोगों का कितना सपोर्ट रहेगा, बिकॉज मुझे आप लोगों का व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ताकि मुझे समझ में आए कि जो फैसला है वो सही है या गलत। क्योंकि कहते हैं ना, सोचने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा डरी हुई हूँ इस चीज़ को लेके कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हो पाएगा ये बहुत। सो गाइस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, शिव शून, लव यू ऑल, टेक केयर।